प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, इसको हम जानते हैं दूसरे नाम से भी, इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिंग टेंस कहते हैं इसको। देखिए दोस्तों, इसका जो हमारा भाव होता है, देखिए इसमें हमारा कुछ काम जो होता है पूरा रहता है और उसी काम में हमारा कुछ काम आगे जो होता है जारी रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी हम पहचान देखते हैं कि पहचान क्या होती है इसकी मेन। देखिए इसकी पहचान में होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, तथा या बोलेंगे आगे इसके हमारा आता है हुआ हूँ, तथा वर्तमान काल में कार्य या काम के जारी रहने का समय दिया हुआ होता है, दिया होता है। ये देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी किसी सेंटेंस के लास्ट में हमारा रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ, तथा वर्तमान काल में कार्य के या काम के जारी होने का समय दिया होता है। तो दोस्तों, खास करके इसकी पहचान में जो होता है हमारा ये रहा है, रही करके आता है, और इसी में जो होता है कुछ समय दिया होता है कि हमारा काम जो है कब से जारी है। दोस्तों, इस टेंस में ऐसा होता है, पास्ट में कोई काम हमारा स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में वो काम हमारा चलता रहता है, मीन्स वो काम जारी रहता है। पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में चलता है। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया वह 1990 से इस गांव में रह रहा है। देखिए रह रहा है, तो देखिए दोस्तों, 1990 से जो है रहना इस गांव में शुरू किया और अभी भी इस गांव में रह रहा है। तो यही कह सकते हैं कि हम लोग पास्ट में कोई काम हमारा स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में अभी भी वह काम हमारा क्या है, जारी है। प्रेजेंट में हमारा काम अभी जारी है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं इस टेंस के अनुसार से, देखिए ये बताया जाता है कि 1990 से और अभी तक उसने जो है अपना काम परफेक्ट किया, मीन्स उसका काम जो है परफेक्ट टेंस में आ गया, पूरा हो गया, लेकिन अभी भी वह उस गांव में रह रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है दो मिलके बना हमारा परफेक्ट भी, कॉन्टिन्यूअस भी। तो इसी प्रकार से हमारा सेंटेंस भी आता है हमारा परफेक्ट होता है, ये दिखाता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। जैसे हमने कहा वह 2 घंटों से यहाँ बैठा है, ये देखिए बैठा। तो देखिए दोस्तों, वह 2 घंटों से यहाँ बैठा है। देखिए 2 घंटे, देखिए यहाँ पे उसने मतलब 2 घंटे पहले से यहाँ बैठने का काम शुरू किया और अभी भी यहाँ बैठा हुआ। तो कह सकते हैं कि हमारा कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में अभी भी वो चल रहा है, अभी भी वो जारी है। तो बोलेंगे 2 घंटा उसने जो है काम जो है वहाँ रहकर पूरा कर दिया, मतलब 2 घंटे का काम उसने पूरा कर दिया, लेकिन अभी भी वहाँ पर क्या है, वो लगातार बैठा। तो कह सकते हैं इसको हमारा ये परफेक्ट दिखाता हमारा और ये दिखाता हमारा कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो दोस्तों, जब कभी भी इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आएगा, इसमें हमारा काम जारी भी रहेगा, कोई समय देगा हमारा काम कब से जारी है, तब उसको जा करके बोलेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, इसकी पहचान खास करके देखिए यही है, बहुत कमी टीचर जो इसको सही प्रकार समझाते कि मतलब किस प्रकार से इसका जो है नाम के अनुसार से इसका भाव निकालना दोस्तों इतना आसान नहीं होता है। आगे देखते हैं इसको हम लोग। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो होता है हमारा जो समय होता है उसके लिए कुछ हमारे टाइम दिखाने वाले आपके वर्ड आते हैं,
टाइम के लिए। देखिए सबसे पहले इसमें जो हमारा टाइम होता है वो पहला हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं हम निश्चित समय, निश्चित समय। देखिए जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको मिलेगा, इसे लिखा गया यहाँ पे सुबह से हमने कहा सोमवार से, फिर कह दिया जनवरी से, उसके बाद कह दिया 1990 से 80 से कोई सन आ जाए इसे यहाँ पे, उसके बाद कह दिया हमने बजे से। तो दोस्तों जब कभी भी आपको इसमें से कोई भी मिलेगा वहाँ पे तो उसको मानेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम। और इसके साथ में सेंटेंस में आता है सिंस, ये जो हमारा होता नहीं कितने बजे से, तो जो उससे होता है उससे के लिए हमारा यहाँ पे आता है सिंस इन समय के साथ में। जैसे हमारा सुबह से आ गया, शाम से, दोपहर से, रात से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, कोई भी यहाँ पर डेज का नेम आएगा, यहाँ पर कोई मंथ्स नेम आएगा, और यहाँ पे कोई जो दोस्तों हमारा सन आएगा खास करके, और कोई टाइम रहेगा जो कि हमारा रहेगा बजे, जिसको बोलते हैं हम क्लॉक के हिसाब से आएगा, इसको बोलते हैं ओ क्लॉक। तो जब कभी भी इस प्रकार से रहेगा तो उसके लिए हमारा वहाँ पे सेंस आएगा। और हमारा दूसरा पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जिसको बोलते हैं अनिश्चित समय, या बोलते हैं समय की अवधि, अनिश्चित समय। इसमें देखिए हमारा ऐसे आता है यहाँ पे सेकंड से, हमने कहा 2 सेकंड से, 10 सेकंड से, ये फिर हमने कह दिया मिनट से, घंटों से, हमने कह दिया फिर यहाँ पे सप्ताह से, दिनों से, साल से, फिर कभी कभी यहाँ पे आता कुछ घंटों से, घंटों से, कभी कभी आता है कई घंटों से, कई दिनों से। तो दोस्तों जब कभी भी आपको इसमें से कोई भी मिलेगा हमारा, हमने कहा 2 मिनट से, 10 मिनट से, 15 मिनट से, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 2 महीना, 2 साल, कुछ भी यहाँ पे आएगा तो इसके साथ में हम यूज करते हैं फॉर। हमने कह दिया वह 2 घंटों से यहाँ खेल रहा है। देखिए दोस्तों घंटों के जो हमारा यहाँ पर आता है से, उससे के लिए हमारा आता है फॉर। तो दोस्तों खास करके देखिए इस टेंस में अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि सेंस फॉर लगाना सही प्रकार से जानते नहीं हैं, लेकिन इसको आप लोग सही प्रकार समझ लीजिए जिससे कि आपको जरा से भी सेंस फॉर लगाने में सेंटेंस में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे, इसको बोलते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, जो भी बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर पर सबसे सब्जेक्ट में हमारा आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैज और हैव आएगा, इसके बाद में इसमें आता हमारा बीन और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और इसमें लगाते हैं हम लोग ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा सेंस या फॉर आएगा, उसके बाद में टाइम आएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो दोस्तों सेंस फॉर सब बता ही दिया कहाँ कहाँ लगाना आपको, हम देखते हैं हमारा हैज और हैव कहाँ कहाँ लगता है। देखिए दोस्तों जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन आएगा तो उसके साथ में लगाएंगे हम हैज, और जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट आएगा आई, वी, यू, दे, या प्लस कोई हमारे का प्लस सब्जेक्ट या नाउन, तो उसके साथ में लगाएंगे हम लोग हैव। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हैव और हैज को समझ लेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे हमने लिख दिया वह 2 दिन से स्कूल जा रही है या जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, देखिए वो स्कूल कब से जा रही है, स्कूल जा रही है 2 दिन से, कहने का मतलब हमारा कोई भी काम 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी हमारा काम जो है जारी है। तो इस प्रकार से इसे कहेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए सबसे पहले इसके लिए हमारा सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे सी, अब देखिए दोस्तों सी के साथ में सह क्रिया आएगी यहाँ पे हैज, सी हैज, उसके बाद देखिए बीन दोनों के साथ में आएगा जब कभी भी आएगा हैज चाहे हैव हो, तो सी हैज बीन, वर्ब हमारा क्या है गोइंग, जा रही है, और कहाँ जा रही है टू स्कूल, स्कूल को जा रही है, और कब से, अब देखिए दोस्तों दिनों के लिए हमारा आता है फॉर, फॉर, और लिखा है टू डेज, टू डेज,
टू चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, दोनों अवस्था में वो सही रहता है। लास्ट में फुल स्टॉप, हमने कह दिया राम 2 बजे से पढ़ रहा है। ये देखिए काम जारी हुआ, हमारा 2 बजे से स्टार्ट हुआ और अभी हमारा काम क्या है, चल रहा है। तो इसके लिए आएगा राम हैज बीन रीडिंग, राम पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, देखिए दोस्तों बजे के लिए आता है सिंस, और देखिए इससे के लिए आ गया हमारा सिंस, और बजे के लिए आता है हमारे यहाँ बताया गया है 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। तो दोस्तों जब कभी भी बजे मिलेगा तो उसके लिए लगाना आपको सेंस, उसके बाद में जो हमारा नंबर दिया गया नंबर आएगा और इस बजे के लिए आएगा वो क्लॉक। तो इस प्रकार से इसको हम चेंज कर देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमने कहा मैं आपको आधे घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें आएगा, देखिए दोस्तों आई, आई के साथ हमारे सहायक क्रिया आएगी हैव, आई है, फिर यहाँ पे आएगा बीन, हमारा वर्ब क्या है, देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ टीचिंग, अब किसको पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, देखो टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और किसको पढ़ा रहा हूँ, आपको टू यू, और कब से, देखिए दोस्तों आधे घंटे के लिए हमारा यहाँ पे आता है फॉर एन हाफ आवर, ये लिखते हैं हम लोग फॉर एन हाफ आवर। देखिए घंटों के लिए ऐसे हमारा फॉर आता है तो यहाँ, लेकिन आधे घंटे के लिए हमारा आएगा एन हाफ आवर। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको हम चेंज कर देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। हम लोग अब देखिए दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस भी ज़्यादा कठिन नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक तमक, नकारात्मक वाक्य। तो देखिए दोस्तों नेगेटिव जब कभी भी आता है हमारा, तो जो हमारा नॉट होता है वो अपने सहायक क्रिया के हमेशा बाद में आता है, ये देखिए, तो हैज और हैव के बाद में नॉट आएगा और हमारा पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ऐसे एग्जांपल देखते हैं इसका, हमने कहा वह लड़की 2 दिन से खेल नहीं रही है, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों वह लड़की के लिए यहाँ पे आएगा हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए आएगा दैट गर्ल, दैट गर्ल। यहाँ पे कभी भी दोस्तों सी गर्ल आप नहीं करेंगे, ये देखिए दोस्तों पिछले वीडियो में पढ़ाया गया, जाकर के उसको देख लीजिएगा बढ़िया से आप लोग। तो दैट गर्ल सिंगुलर मानते हैं, इसके लिए हमारी सहायक क्रिया आएगी हैज, निगेटिव में आएगा बीन, और निगेटिव में आएगा नॉट, उसके बाद में आएगा हमारा बीन, वर्ब क्या है खेल रही, इसके लिए आएगा प्लेइंग, और देखे दोस्तों कब से नहीं खेल रहे, 2 दिन से, दिनों के लिए हमारा आएगा फॉर 2 days। तो देखिए दोस्तों पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर सेम है, बस हमें लगा दें ला करके नेगेटिव में यहाँ पे नहीं के लिए नॉट। और जैसे हमने लिखा यहाँ पे मोहन कई सप्ताह से मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मोहन, देखिए सब्जेक्ट आएगा इसके अंदर सहायक क्रिया में आ जाएगा सिंगुलर के लिए हैज आएगा, हैज नेगेटिव नॉट आएगा, बीन आएगा, वर्ब क्या है बात कर रहा है, देखिए बात करना पूरा यहाँ तक आता है, टॉकिंग बोलते हैं इसके इंग्लिश में हम लोग टॉकिंग, और मुझसे बात कर रहा है टू मी, और कब से, देखिए दोस्तों कई के लिए आता है फॉर तो लगाएंगे ही हम, और कई के लिए आता है मैनी या सेवरल, सेवरल, और यहाँ पे आएगा वीक्स सप्ताह, ये। तो देखिए दोस्तों जो कई होता है, कई की इंग्लिश जो होती है फॉर या सेवरल, हमारा मैनी या सेवरल होता है, और पीछे बताया गया था कि सप्ताह के लिए यहाँ पे फॉर आता है, और वीक मीन्स होता है सप्ताह।
तो मोहन हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर मेनी वीक्स। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको हम चेंज कर देंगे नेगेटिव सेंटेंस में। इसमें कुछ नहीं करना है, बस नहीं के लिए नॉट लगा देना बस आप लोग को। आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग वाक्य में क्या पहले आए तो, वाक्य में क्या पहले आए तो। देखिए दोस्तों जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में वाक्य में क्या पहले आता है तो सबसे पहले इंग्लिश में हमारी उसकी सहायक क्रिया आएगी, उस टेंस की सबसे पहले आएगा हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट आएगा, उसके बाद में बीन आएगा और हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा आईएनजी आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या जो कुछ भी होता है हमारा यहाँ पे अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए इसको एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, हमने लिखा क्या रीना दो दिन से खाना नहीं पका रही है। तो देखिए दोस्तों जब कभी भी आपको सेंटेंस में क्या मिले तो सबसे पहले पहचानना हम लोग को टेंस और जा करके उस टेंस की सहायक क्रिया देखनी है। तो इस क्या के लिए सबसे पहले हमारी सहायक क्रिया आएगी यहाँ पे हैज, सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए हमारी सहायक क्रिया आएगी हैज, हैज सब्जेक्ट आएगा रीना, नेगेटिव है तो नॉट आएगा, उसके बाद में आएगा बीन, फिर हमारा वर्ब आएगा कुकिंग मीन्स पका रही है, और क्या पका रही है खाना द फूड, और कब से नहीं पका रही है देखिए दोस्तों दिनों के लिए आता है फॉर टू डेज, ये हो गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आएगा हैज और है, फिर सब्जेक्ट आएगा नेगेटिव में नॉट आएगा, बीन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ए टी सी जो कुछ भी यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग, हमने कहा क्या आपका भाई दो साल से लखनऊ में नहीं पढ़ रहा है, ये देखिए पढ़ रहा है। तो देखिए दोस्तों इस क्या के लिए पहले आएगा यहाँ पे हैज, योर ब्रदर इसको मानते हैं सिंगुलर के लिए आएगा हैज, हैज योर ब्रदर, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बीन, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा पढ़ रहा है इसके लिए आएगा स्टडिंग, और कहाँ पढ़ रहा है लखनऊ इसके लिए आएगा इन लखनऊ, लखनऊ में, और कब से देखिए साल के लिए आता है यहाँ पे फॉर टू इयर्स दो साल से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें हैज और हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव में नॉट आ गया, बीन आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए पढ़ने के लिए स्टडी भी आता है और रीड भी आता है कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें, उसके बाद में जो कुछ भी आएगा अदर कॉपी कर देंगे यहाँ पे हम। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अब डब्ल्यू एच टाइप में, दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको बढ़िया से सेंटेंस जो है सब समझ में आ जाए, नहीं तो अधूरा पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा आप लोग को और बाद में कहेंगे कुछ अच्छा पढ़ाया नहीं गया आप लोग को। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डब्ल्यू एच टाइप में, वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों उसको शेयर भी करिए ताकि उनको भी थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा मिल सके। डब्ल्यू एच टाइप इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, ये तो देखिए दोस्तों इसमें क्या डब्ल्यू टाइप में हमारा क्या होता है, इसमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द जो होता है जिसको बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, इससे हमारा कब क्यों कैसे कहाँ कितना कितने जो होता है हमारा वो यहाँ पे जो होता है सेंटेंस के हिंदी के सेंटेंस के बीच में आता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है वो सबसे पहले आता है। तो पहले इसके लिए क्वेश्चन वर्ड आएगा जो कि हमारा रहेगा यहाँ पे कब क्यों कैसे, उसकी यहाँ पे इंग्लिश आएगी, उसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो पहले के समान सेम रहेगा।
जैसे हमने यहाँ लिख दिया वह 2 घंटों से क्या कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, वह 2 घंटों से क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस क्या को हम मानते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो कि हमारा, देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हमारा कहाँ पे आता है, पहले आता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे व्हाट, उसके बाद देखिए हमारी सहायक क्रिया आएगी यहाँ सिंगुलर, इसके लिए हमारे सब्जेक्ट में हमारा आएगा सहायक क्रिया आएगी हैज, तो क्वेश्चन वर्ड हैज, फिर सब्जेक्ट आएगा ही। तो उसके बाद देखिए नेगेटिव तो छोड़ देंगे उसको हम, फिर यहाँ पे आएगा बीन, इसे कर देते हैं रेज। तो व्हाट हैज ही बीन, अब देखिए दोस्तों वर्ब क्या है, कर रहा है, इसकी इंग्लिश होती है डूइंग, और कहाँ पे नहीं पता है, छोड़ देंगे उसको हम, कब से 2 घंटों, इसके लिए आएगा फॉर 2 आवर्स। ये हमने कह दिया राजू कई दिनों से मैच क्यों नहीं खेल रहा है। ये तो सबसे पहले इसके लिए क्वेश्चन वर्ड आएगा यहाँ पे, देख क्यों आएगा, तो इसके लिए पहले आएगा व्हाई सिंगुलर, इसके लिए आएगा हैज राजू नॉट बीन। देखिए दोस्तों से हमारा वर्ब क्या है, खेल रहा है प्लेइंग, और क्या खेल रहा है मैच, इसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट आएगा मैच, द मैच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप लोग यहाँ पे। और कब से, देखिए दोस्तों कई दिनों के लिए हमारा आएगा फॉर, मेनी बोलेंगे या बोलेंगे इसको हम सेवरल डेज। ये देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार से सिस्टम कर देंगे हम लोग डब्ल्यू एच टाइप में। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंस और देखते हैं इसमें हम लोग अभी। दोस्तों चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप लोग को जो भी वीडियो अपलोड की जाए इस चैनल के द्वारा वो तुरंत आपको मतलब मिल जाए, जिससे कि आपको वीडियो खोजने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम कभी कभी लिखते हैं यहाँ पे, हमने कह दिया 2 दिन से वहाँ कौन आ रहा है। देखिए ये सेंटेंस, तो देखिए दोस्तों जब कभी भी सेंटेंस में कौन मिलता है, तो जो हमारा कौन होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये नहीं होता, इसके अनुसार से ये टफ पड़ता है। इसको पूरे को हम करते हैं इस सेंटेंस के अफर्मेटिव के सेंटेंस के अनुसार से करते हैं इसको हम लोग। तो देखिए दोस्तों इसमें हम लोग कौन को मानते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद देखिए जो हमारा सेंटेंस होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, पहले सबसे पहले इसमें हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज हैव आएगा, बीन आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगा, अदर वर्ड हमारा जो भी आएगा। तो देखिए दोस्तों जब कभी भी आपको सेंटेंस में कौन मिले, तो कौन को हमें करना है अफर्मेटिव के हिसाब से। देखिए सबसे पहले हमारे इसमें कौन आएगा, इसकी इंग्लिश होती है हु, इसके बाद देख कौन को सिंगुलर मानते हैं, इसके लिए हमारी सहायक क्रिया आएगी हैज, हु हैज, फिर यहाँ पे आएगा बीन, हु हैज बीन, देखिए आ रहा है वर्ब आएगा यहाँ पे, कमिंग, और कहाँ आ रहा है वहाँ, देयर, और कब से आ रहा है, 2 दिन से, तो इसके लिए आएगा फॉर 2 डेज। तो देखिए दोस्तों इस कौन वाले में कोई भी दिक्कत जरा से भी आपको नहीं होगी। यदि हमने लिख दी यहाँ पे 2 सप्ताह से आपको कौन पीट रहा है, ये देखिए फिर वैसे आएगा हमारा, पहले सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे हु, फिर देखिए पूरा हमारा सेम आएगा ऐसे यहाँ पे हु हैज बीन। अब देखिए दोस्तों इसमें हमारा वर्ब क्या है पीट रहा है, इसके लिए आएगा बीटिंग, हु हैज बीन बीटिंग, कौन पीट रहा है किसको, आपको, ऑब्जेक्ट है यू, और कब से, 2 सप्ताह, इसके लिए आएगा फॉर 2 वीक्स। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो आप लोग तो कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।